नमस्कार दोस्तों, और 10 तारीख है, 2 मिनट सुन के जाइएगा, सीधे स्कोर पर चलते हैं। बहुत जरूरी बात है। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड किया था रिजेक्शन के लेके, तो आज भी कल जो मतलब कि आज 10 तारीख है, तो आज विंडो खुल गई है करेक्शन की। तो जिसका अपना मैसेज आया है या ईमेल आया है, तो वो अपना देख सकता है, अपना करेक्शन कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे में ब्लैक था, ऊपर नीचे थोड़ा सा मतलब ब्लैक लाइन आ गई थी, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा था कि मैसेज आ रहा है, मेरे में कोई मैसेज नहीं आया है। और SSC ने स्टेटस भी हल्का सा आउट कर दिया है सभी रीजन में। आप अपने मतलब कि ID डालेंगे, मतलब SSC के वेबसाइट में, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो वहाँ नीचे देख रहे हैं, या आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो, कि देखिए जैसे लिखा है कि रिजेक्शन दिया है, और उसका फोटो को दिया है कि ब्लड है, इस वजह से रिजेक्शन। तो ऐसे आप अपने अपने ID जब जाके रजिस्ट्रेशन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, अगर आपका ईमेल मैसेज भी नहीं आया, जीमेल भी नहीं आया, और ये कुछ नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे मुझे भी दिक्कत हो रही थी कि मेरा क्या होगा, जो कि ब्लैक में था, ठीक है। और मैंने लगभग 2 दिन में, लगभग नहीं, 1000 बार कम से कम ईमेल और मैसेज चेक किए होंगे, कि लगातार कि कोई मैसेज ईमेल नहीं है कोई, अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैसेज ईमेल ये नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना देखिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम आते हैं स्कोर में। तो आज आज 10 तारीख है, और प्रैक्टिस मॉक का दिया है मैंने, और CGL Tier 1 के वॉलीवुड का मॉक दिया है, ठीक है। तो दोनों मॉक थोड़ा सा लेवल में, प्रैक्टिस मॉक थोड़ा सा ज्यादा इजी था। हाँ, CGL Tier 1 में थोड़ा सा मैथ में एक दो दो चार क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, जो फंसा रहे थे, लेकिन मतलब करने लायक थे सब, ठीक है। तो मेरा जो स्कोर रहा दोनों में, आइए मैं दिखा देता हूँ। और आपने अगर अभी तक नहीं दिया है, तो प्रैक्टिस मॉक तो खत्म हो चुका है, और ओली बोर्ड का है, तो आप देखिए, और आपका स्कोर क्या रहा दोनों में, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर, और हाँ, कि अगर आपको और कुछ पूछना है उससे रिलेटेड, रिजेक्शन से रिलेटेड फॉर्म के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सीधे कमेंट में कर सकते हैं, रिप्लाई दे दूंगा जब फ्री हूँगा, ठीक है। तो आइए सीधे हम चलते हैं स्कोर में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिस मार्क में मेरा स्कोर क्या रहा है। और अभी पता है, यूट्यूब पर मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ऊपर आया कि 30 दिन में कैसे 174 नंबर लाए, मतलब समझ रहे हो, और 30 दिन में बता रहा है कि 174 कैसे लाए। यहाँ साला पूरा 3 साल हो गया, 174 नहीं आ रहा है, और 30 दिन में 174। और सबसे मजेदार बात हुआ है कि उसमें 10,000 से 15,000 व्यू भी हैं, 30 दिन में 174 लाने वाले, ठीक है। तो ये चलिए उसका तो रहेगा, आप अपने पढ़ाई के ध्यान देते, ठीक है। ये रीजनिंग में 145, ठीक है, 100, सॉरी, रीजनिंग में 45 है मेरा, और जनरल अवेयरनेस में 17.5 है। ये इजी था, जनरल अवेयरनेस मैं समझ रहा हूँ कि 25+ नंबर आने, तो मेरा गलत हुआ है, ये इजी था, इस वजह से स्कोर था। मैंने जो स्कोर सोच रहा था कि सबमिट के पहले 160+ सोच रहा था, और इसका वजह से मेरा ये थोड़ा सा डाउन हो गया है, इस वजह से है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ टेन 50 out of 50 है। इंग्लिश में कंप्लेन में 42.5 है, 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जबकि इंग्लिश की इसकी इजी थी, और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 45 में, ये भी इजी, मतलब ओवरऑल पेपर ये बहुत इजी था, आराम से 160 कर सकते थे, और मतलब कि हाँ, मतलब कि थोड़ा बहुत जितनी तैयारी की है 160 कर सकते। देखो सब लोग नहीं कर सकता, हम ये नहीं कह सकता कि अब ऐसा बोल दूंगा कि 160 सब कर सकते हैं, तो जो बेचारा जिसके 130-135 है वो डिमोटिवेट है। देखो समय है, होता है सबका अपना अपना, जैसे मुझे 3 साल हो गए, तो मैं 150 ऐसे पाए थे, अभी देखो मैं 126 भी आए हैं इसी में, तो ऐसा नहीं है कि सबका कम, मॉक लेवल के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि ओली बोर्ड में मेरा स्कोर क्या है, देखते हैं कि ओली बोर्ड में मेरा स्कोर क्या है। और तो ओली बोर्ड में भी मेरा स्कोर 150 है, और इसको मैं GS में भी सेम, GS और इंग्लिश मेरा सेम हो गया है, और इन जनरल इंटेलिजेंस में उसकी तुलना में उसमें 45 से इसमें 42.5, एक ज्यादा गलत हुआ, और क्वांटिटी ऑफ डेटा 50 थे, इसमें 47.5, इसमें 1 क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। तो और वो 150 मेरा स्कोर रहा है, तो ठीक है, इसका भी पेपर इजी है, आप दिए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। तो ये मेरा दोनों में स्कोर रहा है, आपका स्कोर दोनों में क्या रहा है जरूर बताइएगा, और अगर आप मॉक नहीं दिए हैं तो आप मॉक दीजिए जाके, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।